लखनऊ गर्ल का बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रियदर्शनी जी, हाँ दोस्तों, अब तक एक महीना हो गया प्रियदर्शनी जी है जो अभी गिरफ्तार नहीं की गई है, जो पुख्ता सबूत के तौर पर दोषी है वो अभी तक खुलम खुला घूम रही है। आपको बता दें दोस्तों, सादत अली के वकील ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं सबसे बड़ी वजह इस केस में पुलिस को मानता हूँ, चूँकि पुलिस भी उतना ही दोषी है जितना प्रियदर्शनी थप्पड़बाज गर्ल है। उन्होंने बताया मीडिया को कि आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, ये लड़की सादत अली को मारे जा रही है, 22 थप्पड़ ठोक रही है, पीट रही है, कोई बचाने वाला भी नहीं आता। एक लड़का बचाने आता है, एक पुरुष बचाने आता है, उसको भी मारने लगती है, तो फिर उसके बाद ये ही उल्टा डिटेन करे जाते हैं थाने में। पुलिस द्वारा इनको साथ अवद्र व्यवहार किया जाता है। इनके साथ थाना कृष्णा नगर के महेश कुमार दुबे SHO और उप निरीक्षक मोहम्मद मनहान व हीरेन सिंह जो उप निरीक्षक हैं वहाँ के चौकी का चार्ज था, जिनके पास क्षेत्राधिकार था जहाँ पर घटना हुई थी, घटनास्थल के क्षेत्राधिकार चौकी इंचार्ज थे वो, और उन्होंने भी अपना सही से रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशन के पहरा 42 और 43 में ये कहा गया है कि पुलिस को मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए हर व्यक्ति से, और अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करना चाहिए। और उनके सादत अली और के दूसरे वकील ने बताया कि यदि पुलिस चाहती तो ये घटना इस लेवल तक ना पहुंचने देती और वहीं इंसाफ सादत अली को मिल जाता और लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि आप लोग मीडिया की वजह से ही मामला पहुंचा सब लोगों तक और अभी तक मामला चल रहा है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वकील साहब ने कहा है, सादत अली के वकील जी ने कहा है, और कहा है कि मामले को भी वहीं निपटाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया और न्याय नहीं मिला। और वकील ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष होकर यदि जांच कर और कार्रवाई करती तो बात यहां तक नहीं बढ़ती। वकील ने ये भी कहा कि अभी तक तो नहीं, अभी री इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अर्जी देंगे पुलिस कमिश्नर साहब को, कि इसकी जो चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जांच है जो SOT या किसी जांच एजेंसी CBI से हो, इसकी मांग करने की कोशिश करेंगे। और वकील ने ये भी कहा यदि कोई पार्टी से लिंक हुआ इसका तो हमें पता चलता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और सादत अली ने बताया कि अभी उनका इलाज चल रहा है कान का प्राइवेट हॉस्पिटल से, और जो प्रियदर्शनी ने थप्पड़ मारे थे उन्हीं की वजह से उनको कान से जो पेन होता है वो अत्यधिक होता है और आँखों से अंधेरा छा जाता है, दिखना बंद हो जाता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। और वकील ने जो भी अर्जी कमिश्नर महोदय के समक्ष पेश की उसमें कहा गया था कि SHO बादरा साहब से संतुष्ट नहीं हैं वे, और वकील ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये जांच किसी दूसरी एजेंसी जैसे कि क्राइम ब्रांच को या किसी SOT गठित के SIT को माध्यम से इसकी जांच करवाई जाए, जिससे हमें उम्मीद रहेगी कि सादत अली को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा और लड़की जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। बाकी आपका क्या सुझाव है कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।